हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काशवी की स्लीपर्स लेने, क्योंकि ना काशवी इतनी मतलब इतने सारे इसको चप्पलें हम दिला चुके हैं, बार बार पता नहीं कहाँ कर देती है, खो देती है। एक तो मार्केट में गिराया ही थी, फिर एक बार मेले में गिराया ही थी, फिर एक बार मम्मी के साथ गई थी तब कहीं गिराया ही। तो इसकी चप्पलें ले लेके हम परेशान हो गए हैं, और बस अभी उछलो ऐसे आ रखी है ऐसे। अभी रियांश की ना पहना रही हूँ, रियांश की वो चप्पलें, बट ना उसको वो पता नहीं पैर में काट रही है वो चप्पल, वो मतलब वैसी साइड से वो दांत निकाल दो ना। हाँ, दांत निकाल दो चप्पल के, काट क्यों रही है? अरे नहीं, वो पहनी होती है ना साइड से, तो पैर उसके छिल रहे हैं। तो बस काशवी की चप्पलें सैंडल लेके वहीं से हमें कुछ और भी काम है, तो वो काम भी करने हैं। और फिर मेरा भाई क्या ना वो क्या बोलते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड वो इधर ही भूल गया। अभी मेरे भाई को हैदराबाद देना है उसको। अरे यार मुंबई दे दो, महाराष्ट्र। ये कट कर देना क्लिप, मेरे भाई को ना हैदराबाद भेजना है। बेचना है, बेचो मत यार, उसको दे दो। अरे नहीं रुको यार, मेरा भाई भाई तू मेरी जान है। मेरा भाई हैदराबाद चला गया ऐसे ही। अरे यार उसको क्यों ऐसी जान दिया भाई, उसकी इतनी खुशी ऐसे चला गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बोलने तो दो। मैंने कौन से तुम्हारे मुंह पे टेप लगा रखा है? तो इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको इसको दिखाओ, इसको देखो। तो ना मैं जब से ये कहना चाह रही थी कि मेरा भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड यहीं पे भूल के चला गया, और वो हैदराबाद ऐसे ही निकल गया, मतलब तो वही मतलब हजीरा जहाँ पे हमारा घर है वो लेने जा रहे हैं, फिर यहाँ से कुरियर हो जाएगा। और आधार कार्ड तो खैर बन जाता है, बट ना पैन कार्ड में थोड़ी मुश्किल होती है, मतलब बन नहीं पाता ना पैन कार्ड, नहीं बन पाता ना जल्दी ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं बनता ना। तो वही सनी को हैदराबाद भेज के पैन कार्ड बनवा। बात सुनने नहीं आ रही, इतना हंस के बने, मतलब ठीक है आधार कार्ड है पैन कार्ड है भेज दे। चलो ठीक है कहाँ। हाँ तो बस उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग। भाई तुमने आधार कार्ड पैन कार्ड को इतना हाईलाइट क्यों कर दिया, और आगे तो कुछ बात करो। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बिना बात के हंसी आती है, मैं जानबूझ के नहीं हंस रही। तो देखो महाराज इनको देखो। हाँ तो तो बस अभी काशी मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ। ये देखो रियांश को कैसे लेटा है, आपको दिख रहा है ना रियांश लेटा है। मुझे भी देखना है। काश्मी हाय, ये हमारे मोहल्ले की गली आ रही है, तंग गली। हाँ इधर की गली बड़ी पतली पतली है, मतलब इतने साल हो गए ये रोड सही नहीं हो पाई हमारी। मौसी नहीं मिलेगी, काशवी गेट देख के कह रही मौसी का घर आ गया। मौसी नहीं है, मौसी तो हैदराबाद चली गई ना। इधर नानी रहती है, नानी छोटी नानी रहती है। नानी वो जाने अभी नानी पास चली।
बना रहे हैं? लोई बनना है, लोई क्योंकि बना चड्डी उतारती खा देने। ओ यो 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 क्या नहीं लगी, उठ। हाँ सही चड्डी उतार काफी। तुम भी भैया को डोई तो बना दो। रियांश हटो, माहौल खराब हो रहा है दीदी का, हटो उधर से। अरे कोई बात नहीं, इधर आओ। मैं बताऊं डायपर इसने लेट पॉटी कर ली, गीला फील होगा ज्यादा जरूरत है। मम्मू रहन, चड्डी तो है अपने नंगे में ज्यादा अच्छी आ रही है। बस खिंच गई, पैर छूटी थी के आप नहीं, आप भैया छूटा, भैया छूएगा। और नानी आपके अब ना कोई पहले फोटो खींचे तो मैंने की कैब वाली जो कैब बहुत सुंदर लग रही है। हॉस्पिटल भी कोई डर तो आपके पैर रियांश छुएगा ना, रियांश नानी के पैर छू ले, नानी के छोटा है, 5 साल तक किसी के पैर नहीं छूएगा। जब बड़ा होगा 5 साल की बात होगी। क्यों अपने पैर छू लेगा? अबे ये बहुत मेरे में गिर ना जाए, डर लगा रहता है। इधर आ, इधर चले, काशवी की चप्पलें ले ली। बोलो पापा से, पापा लास्ट बार चप्पल ले दिला दो। ठीक है, चड्डी तो गीली कर ली इसने। चल रे चल। ये है हजीरा का मार्केट, अभी काशवी की चप्पलें लेनी है, सैंडल लेना है, तो वो अभी इधर सही नहीं मिल रही, तो अभी और दूसरी दुकान से देखेंगे। काशु रियांशु रियांश बापू बापू ये कहावत सही है, भैंसी आगे बीन बजाना। ये देखो कितना भी औरन दो ये हटेंगी नहीं, भैया होती तो अभी उचक जाती इतने में। हाँ। साइड हो यार। सही कह रहे। अरे कर लोगी अम्मा? ए वो पोटे। अरे वाह क्या सीन है, हट भी नहीं रही हूँ। मतलब एक होता है, अरे मतलब पीछे से गाड़ी आ रही है, वो अपनी धुन में ही मस्त मटक मटक के चल रही है। पीछे से गोबर जरूर करती आ रही है। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, मुड़ना है ना। अब भैंस मुड़ेंगी तब अपन मुड़ पाएंगे। मैं से दर ना मुड़े तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब उसको तो सीधे आना था भाई, इसलिए वो निकल गया। अपन को इधर मुड़ना है ना। हाँ। घर पहुंच गए हैं हम। मैंने बोला अभी घर हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच गए? रास्ते में कहाँ पहुंच गए? मतलब जाने वाले तो है ना, निकल भी चुके हैं। हंसाते हैं फिर बोलते हैं कि भाई तो हंसती क्यों, ये काश्मीर सो गई है। ओह वाह क्या न्यूज़ दी भाई, वाह। और ये रियांश इधर खड़ा है, ये गाड़ी चला रहे हैं यार। ये भी मुद्दा बन गया, लोग खड़ा है वो क्या करे बेचारा, न चलाऊ मैं कैसा। अभी मटर लेके मैं सोच रही हूँ पत्ता गोभी। ये तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। मैं सोच रही हूँ घर में पत्ता गोभी रखी है। सोच रही मतलब इसमें भी सोचना क्या, मतलब समझा नहीं। अरे यार अपना बेवजह मत हंसा, फिर लोग बोलेंगे कि ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। आती है ओवर एक्टिंग? ओवर एक्टिंग आती नहीं है, लेकिन लोग समझेंगे फिर, क्योंकि मैं हंसूंगी तो फिर मेरे 32 दांत दिखते हैं। तुमने गिने हैं 32 ही हैं? 32 तो ना। अभी मैं सोचूं घर में ना पत्ता गोभी रखी है, तो फिर मटर से ना थोड़ी अच्छी लगेगी सब्जी, तो थोड़ी सी मटर लेके फिर घर चलते हैं। इधर घर
मेरा ना पानी पूरी खाने का बहुत मन था, बट ना काशवी रो रहे थे सोने के पीछे, तो फिर मैंने अपने मन को त्याग कर दिया। मन को त्याग कर दिया, अरे मन को त्याग कर दिया, मतलब मन को मारना पड़ा। मार कौन दिया मन को यार, चलो ये सब तो लगे रहेगा, मटर लेके फिर घर पहुंचते हैं, फिर दिखाते हैं कैसा क्या होता है। ऐसा भी है, मटर तो उधर है यार। ठीक है, चलो यहाँ मटर, यहाँ पे किधर है मटर? जितना भी सामान है ना मेरे छोटे वाले बैग में करके ले आना सब। मेरा पर्स खाली हो गया, मेरा वॉलेट मैं लुट गया, पट गया दोस्तों, कोई बात नहीं, बचा मैं कहीं बचा। वो पूरा सामान ले आना, चप्पल अप्पल बना छोड़ दो सब, मेरे पास पैसे नहीं बचे भाई। अभी बज रहे हैं रात के 9, खाना हम लोगों ने खा लिया है, यहाँ पे रियांश और काशी भी सो गए हैं, और बस आज के लिए इतना ही। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।